नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कर रहे हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगासन। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। रोज रोज का जुकाम होना, रोज रोज का खांसी रहना, बुखार होना, ये सारे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना होने के लक्षण होते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पोषक खाना खाना चाहिए, पोषण प्रॉपर होना चाहिए, जो आजकल बच्चों में नहीं होता, क्योंकि बच्चे ना तो ढंग से खाना खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। इवन आजकल के युवा लोग भी यही सब कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। कैसे आप योगा आसन करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने का तरीका है, मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास रखें, हाथों को जमीन पर इस तरीके से रखें और धीरे धीरे अपने इतने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। अब दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से पकड़ लें। जब आप इस आसन को करते हैं, आपको अपनी सांस धीरे धीरे अंदर लेनी है और जब वापस आप इस आसन से आते हैं तो सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। इस आसन को आप कम से कम 2 से 3 बार कर सकते हैं। दूसरा आसन हम करेंगे हल आसन। उसके लिए भी आपको पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाना है। अब धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है को फोल्ड करते हुए। जब आप पैरों को सीधा ऊपर ले जाते हैं तो सांस आपको नहीं लेना है, धीरे धीरे वापस अपने पैरों को जमीन पर रखना है। जैसे ही आप आसन से वापस आते हैं तो आपको सांस छोड़ते हुए अपने आसन से वापस आना है। तो ये था हलासन और सेतुबंध आसन, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं।